दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय हेलिक्स। तो आज के वीडियो में बात करेंगे गोल्ड प्रोटेपर फाइल सिस्टम की, जो हम एंडो मोटर में यूज करते हैं। खोलकर देखेंगे इस बॉक्स को, कैसे अरेंज होकर ये आता है, क्या होता है इसका यूज, और साथ ही बात करेंगे इसके मार्केट प्राइस के बारे में भी। इसके पहले हमने हेलिक्स एंडो मोटर की अनबॉक्सिंग और उसके ऑपरेटिंग के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, तो उन वीडियोस को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से देख सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। शुरू करते हैं वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो पहले इसके बेसिक्स की बात कर लेते हैं, इसके बाद हम इसको ओपन करके देखेंगे। तो जो गोल्ड प्रोटेपर फाइल सिस्टम है उनका नॉमिनक्लेचर जो होता है वो हैंड प्रोटेपर फाइल सिस्टम के जैसे ही होता है, SX, S1, S2, F1, F2 एंड F3 6 फाइल सिस्टम में आती हैं, जैसे हमारे हैंड प्रोटेपर्स भी होते हैं, नाम भी सेम ही होता है। लेकिन ये हैंड प्रोटेपर से एडवांस्ड होते हैं, इनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो कैनाल्स में इनके टूटने के चांसेस कम होते हैं, काम करने में आसानी होती है। और जो इनका हैंडल होता है, जो हम एंडो मोटर में अटैच करते हैं, उसको छोटा रखा गया है ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा हो, जब हम वर्क करें तो विजिबिलिटी ज़्यादा हो। तो चलिए पहले इनके नाम देख लेते हैं, फिर इसको ओपन करते हैं। तो सबसे पहले है SX, इसका यूज़ हम कोरोनल प्रिपरेशन करने के लिए करते हैं और कैनाल को वाइड करने के लिए। इसके यूज़ करने के बाद कैनाल्स वाइड हो जाती हैं, तो आगे की फाइल्स यूज़ करने में हमें आसानी होती है। इसके बाद आती हैं S1 एंड S2, जो कि शेपर्स फाइल है, इसलिए इनको S से डिनोट किया गया है। S1 जो है वो कोरोनल और मिडिल पोर्शन को प्रिपेयर करती है और S2 जो है वो एपाइकल पोर्शन तक भी प्रिपेयर करती है। S1 और S2 से शेपिंग करने के बाद हम आते हैं फिर फिनिशिंग में। जो हमारी F1, F2 और F3 फाइल्स हैं वो फिनिशिंग फाइल्स हैं, इसलिए इनको F से डिनोट किया जाता है। F1, F2 और F3 का यूज़ करके हम कैनाल को फिनिश करते हैं ताकि ऑब्चुरेशन में हमें आसानी हो। और फिर जिस भी फिनिशिंग फाइल से F1, F2 या F3 से आपने फिनिश किया है, उसी नंबर के 6% गट्टा पर्चा से हम ऑब्चुरेशन करते हैं। चलिए अब इसको ओपन करके देखते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको। ऐसे पैकिंग में ये आता है, ऊपर यहाँ कंपनी का नाम लिखा हुआ है हेलिक्स, M3 गोल्ड फाइल सिस्टम है ये, नाइटाई मटेरियल का ये बना होता है और नीचे मैन्युफैक्चरर का नाम लिखा हुआ होता है। चलिए खोलते हैं इसको। तो इस तरह पैकिंग में ये आता है। इस सिस्टम में 6 फाइल होती हैं, मैं इस फाइल को खोलकर अरेंज कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ इसके फ्लूइड्स कैसे होते हैं, इसका जो टेपर होता है वो कैसा होता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये SX है, इसके बाद जो देख रहे हैं ये S1 और S2 है, इसके बाद F1, F2, F3 S1, S2 शेपर्स हैं, जैसा भी हमने समझा, शेपिंग के लिए यूज़ होते हैं, और जो ये हैं फिनिशिंग के लिए यूज़ होते हैं। इनमें कलर कोडिंग भी दी हुई है, जो SX है इसमें येलो कलर दिया हुआ है, इसके बाद S1 में पर्पल, S2 में वाइट, इसके बाद F1 जो है उसमें भी येलो दिया हुआ है, F2 में रेड, और जो F3 हमारा वो ब्लू कलर में आप देख रहे होंगे। सबसे पहले हम SX से स्टार्ट करते हैं, फिर हम शेपिंग करते हैं और लास्ट में कैनाल्स की फिनिशिंग करते हैं। मैं आपको ये दिखा देता हूँ और इनके यूज़ का वीडियो आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगा, जिसमें हम RCT करके आपको दिखाएंगे टूथ में। तो ये देख लीजिए आप कैसे इसके फ्लूइड्स होते हैं, ऐसे ही S1 और S2 को भी आप देख लीजिए। और फिर हमारी फिनिशिंग के लिए F1, F2 और F3, और इनमें मार्किंग्स भी होती है 16 mm, 17 mm, 18 mm की। तो जब हम वर्किंग लेंथ लेते हैं तो हमारे स्टॉपर को हम वहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसे हम फाइल सिस्टम में करते हैं वैसे ही। इसकी प्राइस की बात करें तो इसमें MRP दी हुई है 1800 रुपये, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कुछ कम में भी आपको मिल सकता है। और हेलिक्स एंडो मोटर के साथ अभी 10 फाइल सिस्टम आपको कंपनी फ्री दे रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं कि किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।